Hi everyone, this is Asish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. Hi everyone, now we are going to do question number 6. इसमें दो parts हैं, देखिए. Exercise 9C, ये 9C का question है, 6. Find the rate percent per annum if compounded yearly. अब आपको rate यानी arc find करना है, principal दिया है, amount दिया है, time दिया है. तो डेफिनेटली हम फार्मूला तो वही लगाने वाले हैं जो हमने पहले लगाया था, a इक्वल p 1 प्लस r अपॉन 100 द पावर n, जिसमें a की वैल्यू 225 रखना है, p रखना है 196. r का जो वैल्यू दिया गया था हमारा, वो हम यहाँ पे अभी r का वैल्यू फिलहाल नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो एज इट इज़ रखेंगे. और n यानी टाइम जो हमारा दिया गया है 2 ईयर्स, वो हम यहाँ रख देंगे. उसके बाद क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 196 ये हमारा लेफ्ट साइड में चला जाएगा डिनोमिनेटर बन करके, और इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 2. अब देखिए, रेट ऑफ़ इंटरेस्ट सॉल्व करना है, और रेट ऑफ़ इंटरेस्ट जो हमारा वेरिएबल है वो अभी हमारा ब्रैकेट के अंदर है और उसमें पावर 2 लगा हुआ है. तो अब लेफ्ट साइड में जो नंबर आएंगे हमारे, आपकी बहुत बड़ी क्लास नहीं है, 8th क्लास है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेफ़्ट साइड में नंबर आएंगे वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर ज़रूर होंगे, क्योंकि स्क्वायर राइट साइड पे भी है, तो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होंगे. अब अगर आपको थोड़े से स्क्वायर्स याद होंगे तो आपका ये सॉल्यूशन जो है ये बहुत ही इजी हो जाने वाला है. इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर समझ जाएंगे कि ये कैसे होगा तो बहुत ईजी रहेगा आपको. ये देखिए, 225 15 का स्क्वायर होता है और 196 14 का स्क्वायर होता है. तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में बदल लेंगे. स्क्वायर में बदलने के बाद क्या होगा, लेफ्ट का होल स्क्वायर और राइट का होल स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो बचेगा 1 प्लस r अपॉन 100 इक्वल 15 अपॉन 14. तो देखिए, मैंने लिख लिया हुआ है ये नंबर. उसके बाद हमको r का वैल्यू फाइंड करना है, तो 1 को हम राइट साइड पर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिलेगा 1 अपॉन 14 एट द राइट साइड, एंड इन द लेफ्ट साइड वी आर हैविंग r अपॉन 100. अब r का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 100 हमको यहाँ ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर में, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली कट नहीं करेगा, इसको हम मिक्स नंबर में ही निकालेंगे. सॉल्व करके ये आ जाएगा 7 होल 1 अपॉन 7%. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर जब भी हमारा ये r यानी रेट फाइंड करना होगा, और यहाँ जितनी भी पावर हमारी लगी होगी राइट पर, लेफ्ट साइड में उतनी ही पावर का नंबर ज़रूर बन रहा होगा. आप उसको अपना मेंटली चाहें तो वैसे कर सकते हैं, और मेंटली अगर आपको नहीं है तो आप उस तरीके से उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं. आपको मेथड्स पता है, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं. तो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आया 7 होल 1 अपॉन 7%.